हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीर सिद्धि के बारे में। यदि आप अमीर सिद्धि को नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, अमीर सिद्धि फैजल सिद्धि के बड़ा भाई है। शायद उसे आप जानते भी होंगे, जिसका टिकटॉक अकाउंट फिलहाल में ही बैंड हुआ है। इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई के भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अमीर सिद्धि को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, टिकटॉक पे कुछ दिन पहले ही अमीर सिद्धि के छोटा भाई फैजल सिद्धि का टिकटॉक अकाउंट बैंड हो गया था, जिसमें बताया जा रहा था कि फैजल सिद्धि ने एसिड अटैक को प्रमोट किया था, जिसके कारण उनका टिकटॉक अकाउंट पूरी तरह से बैंड कर दिया गया है। इसके बाद अमीर सिद्धि का भी टिकटॉक अकाउंट बैंड कर दिया गया है। लेकिन आप लोग यही सोच रहे होंगे, अमीर सिद्धि ने ऐसा कोई गलती नहीं किया था, फिर भी टिकटॉक ने अमीर सिद्धि का टिकटॉक अकाउंट क्यों पूरी तरह से बैन कर दिया गया? यदि उसका टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ है तो वापस आएगा या फिर नहीं आएगा? तो हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, एक वीडियो इल्विश यादव ने बनाया था, जिस वीडियो में कुछ टिकटॉक यूजर को उसने रोस्ट किया था, जिसमें रानी रिवॉल्वर भी थी। इसके बाद क्या हुआ, जब उसने रोस्ट कर दिया था तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स देने लगा, उस वीडियो पर लाइक्स एंड व्यूज काफ़ी ज़्यादा आने लगा। इसके उस वीडियो को लेकर अमीर सिद्धि ने IGTV के बारे में और रानी रिवॉल्वर के बारे में बहुत कुछ बोला था और अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाया था। इसके बाद क्या हुआ, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का एक टॉपिक छिड़ गया था। इसके बाद क्या हुआ, कैरी मिनाटी ने एक वीडियो बनाया जिसमें अमीर सिद्धि को रोस्ट किया था, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लगा और उस वीडियो ने कई सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, लाइक्स के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। तो वो वीडियो हरासमेंट के कारण यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया। ये सब आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इस वीडियो पे ऑलरेडी, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद यदि आप लोग सोच रहे होंगे अमीर सिद्धि का टिकटॉक अकाउंट बैन कैसे हुआ, क्योंकि ये जो मामला यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का जो स्टार्ट हुआ है, अमीर सिद्धि के कारण ही हुआ था। इसीलिए टिकटॉक के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आपको पता होगा टिकटॉक का रेटिंग जो था प्ले स्टोर में 4.5 या फिर 4.6 के आसपास थे। यदि आप फिलहाल में चेक करेंगे तो 1.2 के आसपास आ गया था, लेकिन अब जो है यहाँ पे 1.6 आ चुका है। तो इसके बाद टिकटॉक ने पता लगाया आखिर ये यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक का मामला क्या है। इसके बाद ये सारा जानकारी लेने के बाद उसे ऐसा लगा, यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक का मामला जो है अमीर सिद्धि से ही स्टार्ट हुआ है, इसीलिए अमीर सिद्धि का टिकटॉक अकाउंट यहाँ पे बैन कर दिया गया है। यदि आप लोग सोच रहे होंगे इन दोनों का टिकटॉक अकाउंट फिर से वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कुछ टाइम बाद दोनों का टिकटॉक अकाउंट वापस आ सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा, कुछ साल पहले भी मिस्टर फैजू का टिकटॉक अकाउंट पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, कई महीने तक उस पर वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन वो 9 से 10 महीने के बाद उनका टिकटॉक अकाउंट फिर से वापस आ गया था। तो हो सकता है कि अमीर सिद्धि और फैजल सिद्धि दोनों का टिकटॉक अकाउंट फिर से वापस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अमीर सिद्धि और फैजल सिद्धि का टिकटॉक अकाउंट बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।